हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें परफ्यूम्स कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे लगाना चाहिए जिससे कि हमें अच्छी प्रोजेक्शन मिले और अच्छी लॉन्जिविटी मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है बॉडी में जहाँ पे आपको परफ्यूम लगाना चाहिए, वो होता है आपका रिस्ट का एरिया। आपको रिस्ट पे परफ्यूम लगाना चाहिए। ये यहाँ पे सारी वेंस होती हैं, तो ये वार्म एरिया होता है। जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये आपके प्रोजेक्ट अच्छे तरह करता है ज़्यादा एरिया में। और बहुत बार लोग क्या गलती करते हैं, परफ्यूम लगाने के बाद वो दोनों रिस्ट को रब कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या होता है, आपके परफ्यूम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे कि आपको वो लॉन्जिविटी और वो प्रोजेक्शन नहीं मिल पाता। मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने रिस्ट पे लगाइए, दोनों रिस्ट पे अलग अलग बार परफ्यूम लगाइए, उनको रब मत कीजिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका नेक का। यहाँ पे जो होल होता है नीचे नेक के, इस एरिया में, इससे क्या होगा, जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो आपको ये सामने से उनको ये फ्रेग्रेंस देगा, ठीक है। ये भी वार्म एरिया होता है, तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट होता है वो होते हैं आपके शोल्डर। दोनों शोल्डर पे एक एक बार परफ्यूम लगाइए, क्योंकि जो इस तरफ के लोग होंगे और जो इस तरफ के लोग होंगे उनको ये फ्रेग्रेंस देगा और प्रोजेक्ट अच्छी तरह करेगा। फोर्थ जो पॉइंट होता है वो आपका होता है ईयर्स के पीछे एरिया। ये जो एरिया होता है आपको यहाँ पे परफ्यूम लगाना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। ये बहुत ही वार्म एरिया होता है और इससे भी आपको बहुत ही अच्छी प्रोजेक्शन मिलती है। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है आपके बालों पे। आपको अपने बालों पे परफ्यूम लगाना चाहिए, जिससे कि आपको पूरा जो एरिया है आपके आगे का, उसको प्रोजेक्शन मिले अच्छी तरह। आई होप जो भी मैंने आपको पर्ल्स पॉइंट बताए हैं ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर ये आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।